नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो बच्चों, आज का पाठ है हमारा कक्षा 7 का विषय भूगोल, पाठ नंबर 4 वायु। बच्चों, वायु पाठ में सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है वो है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जब सर्दियों में आपको ठंड लगती है, आप भी अपने चारों तरफ कंबल ओढ़ लेते हो, और कंबल ओढ़ने से क्या होता है, आपके शरीर का तापमान नीचे नहीं गिरता, आपको गर्मी लगती है और आपका तापमान बना रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने चारों तरफ कंबल ओढ़ के बैठी रहती है, इसे वायुमंडल कहते हैं, और हमारी पृथ्वी के तापमान को ना अधिक गर्म होने देती है ना अधिक ठंडा होने देती है। तो बच्चों, वायुमंडल की संगठन और संरचना की बात करते हैं। वायुमंडल की संगठन का मतलब है वायुमंडल किन चीज़ों से बना है, जैसे गैस, धूल कण, जल वाष्प, उसकी कितनी परतें हैं, ये सब हम आज इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल का संगठन। बच्चों, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। बच्चों, चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है, इसे देखें। इसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक मात्रा में है हमारे वायुमंडल में। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन 21%, तीसरा प्रतिशत आर्गन 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य सभी जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, हाइड्रोजन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदलकर फिर पौधों को प्रदान करते हैं। पौधे इसका प्रयोग करते हैं। अगली है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बच्चों, क्या आपने ग्रीन हाउस गैस और भूमंडलीय तापन के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में
फैलकर पृथ्वी से सूरज की किरणों को वापस जाने नहीं देती। उससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीन गैसें आती हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ही भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों, समझ आ गया ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग? इन्हीं ग्रीन हाउस गैस, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्हीं गैसों की वजह से कारखानों और कार का धुआं हमारे वायुमंडल में गर्मी पैदा करता है और हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो बच्चों, तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जमी हुई बर्फ भी पिघल जाती है। अब मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन के प्रभाव बताती हूँ। पहला प्रभाव, जब बर्फ पिघलेगी तब क्या होगा बच्चों? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। दूसरा प्रभाव, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो आसपास पानी जो है वो स्तर बढ़ जाएगा और आसपास तटीय क्षेत्रों में घुस जाएगा और फिर वहाँ बाढ़ का प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा प्रभाव, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। बच्चों, जलवायु बदल सकती है हमारी। और अंतिम, पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। अगर जलवायु बदलेगी बच्चों, तो पौधे भी बदल जाएंगे और कुछ तो विलुप्त हो जाएंगे। जहां गर्मी होगी वहां ठंड हो जाएगी, जहां ठंड होगी वहां गर्मी हो जाएगी और पौधे अपने आप जो हैं खत्म हो जाएंगे। आओ बच्चों, अब मैं आपको वायुमंडल की संरचना बताती हूँ। वायुमंडल में 5 परतें हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम इस चित्र को देखें। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र 4.2, वायुमंडल की परतें। इस चित्र में आपको सबसे नीचे, जहां 10 लिखा हुआ है उससे नीचे, क्षोभ मंडल दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। तो 0 से लेकर 10 के बीच में हमारा क्षोभ मंडल आता है। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इस औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 0 से 10 के बीच में हमारा क्षोभ मंडल आता है, पर औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की इस परत में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की बच्चों सारी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, सब इसी परत में होता है। अगली परत है हमारी समताप मंडल। चित्र में देखो बच्चों, क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा है, ये सीमा है। इस सीमा के बाद दूसरा मंडल शुरू होता है। आप देख सकते हो यहाँ समताप मंडल लिखा हुआ है। और चित्र में आप देखो, यहाँ एक हवाई जहाज भी बना हुआ है और ओजोन भी लिखा हुआ है। तो आओ मैं इसके बारे में आपको बताऊं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। आपको मैंने बताया था कि वर्षा, कोहरा, ओला सब क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में कोई भी मौसम की घटना नहीं होती है। इसी वजह से हवाई जहाज इसी
परत पर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो बच्चों, अगला मंडल है हमारा मध्य मंडल। चित्र में आप देख सकते हो, क्षोभ सीमा के बाद समताप मंडल था, समताप मंडल के बाद समताप सीमा है। अब ये सीमा खत्म होती है। ये सीमाएं संक्रमण रेखाएं हैं। इनके उस पार दूसरे मंडल का अस्तित्व देखने को मिलता है। इस सीमा के दूसरी तरफ आता है हमारा अगला मंडल, मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अगला मंडल, बाह्य वायुमंडल। आप चित्र में देख सकते हो, मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा है। हर मंडल के बाद इनकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के बाद अगला मंडल आता है। तो मध्य सीमा के बाद आप देख सकते हो बाहरी वायुमंडल। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का एक भाग है। बाह्य परत 80 से 400 किलोमीटर फैली है और इसी आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती है, यानी कि पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगला और अंतिम मंडल है हमारा बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत है। ये वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो बच्चों, हमने आज जाना वायुमंडल की संगठन और संरचना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी मौसम एवं जलवायु के बारे में। बच्चों, आप सबको पता है, हम कहते हैं आज धूप निकली है, आज मौसम साफ है, आज बादल हैं, आज बारिश हो रही है, तो वो मौसम है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। जब गर्मी होती है और पसीने आते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब अच्छा मौसम होता है, हवादार होता है, हमें आनंद आता है, हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों का अंतर समझने की हमें ज़रूरत है। मौसम हर घंटे बदलता रहता है, पर जलवायु वो नहीं बदलती, वो लंबे समय तक किसी स्थान के औसत मौसम की ही गणना होती है। कम से कम 30 वर्ष तक की गणना को हम जलवायु कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ें। बच्चों, मौसम और जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, मौसम कैसे बदलता है, जलवायु कैसे बदलती है, तो अब हम उनको बताते हैं। सबसे पहले तापमान। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2000000000 भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। अगर पृथ्वी सूरज की ऊर्जा का अधिक भाग प्राप्त करेगी, तब तो हम सब जल जाएंगे बच्चों। तो बच्चों, आओ अब हम बात करते हैं तापमान की। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, वे वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। बच्चों, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा तापमान आपको महसूस होता है। अब आता है आतपन। आतपन को हम सूर्य तप भी कहते हैं। सूर्य तप मतलब सूरज की गर्मी, सूर्य का ताप। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वे ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आपको पता होगा, भूमध्य रेखा
0 डिग्री से शुरू होती है और ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक होते हैं। तो जितना आप भूमध्य रेखा से दूर होते जाओगे उतना ही उस भाग में सूर्य तप घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा सूर्य तप भूमध्य रेखा को मिलता है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यता घटता जाता है। बच्चों यहाँ देखो चित्र 4.3, यहाँ पर आपको कुछ मौसम की जानकारी के लिए यंत्र दिखाए गए हैं। पहला यंत्र है ताप मापी, तापमान मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वायुदाब मापी, वायुदाब के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है वात दिग्दर्शी, इससे पवनों की दिशा का पता लगाया जाता है कि पवन किस दिशा से किस दिशा की तरफ जा रही है। तो बच्चों तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बच्चों अब हम बात करते हैं अगले कारक की, वो है वायुदाब। ये वायुदाब क्या होता है बच्चों? वो आपको दिखती नहीं है पर उसका एक दाब होता है, वो दबाव डालती है, उसी को कहते हैं वायुदाब। तो बच्चों पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है और जितना आप ऊंचाई पर जाओगे समुद्र से पहाड़ों की तरफ वो दाब घटता जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है और निम्न दाब क्षेत्र बादलयुक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों याद रखना, जहाँ उच्च तापमान होगा वहाँ पर निम्न वायु दाब होगा, क्योंकि जब तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म हो जाएगी और गर्म चीज़ जो है वो हल्की हो जाती है, और जब वो हल्की हो जाएगी हवा गर्म होकर वो ऊपर उठेगी, और जब वो ऊपर उठेगी तो वहाँ पर दबाव अपने आप कम हो जाएगा। तो बच्चों इसका भी एक सूत्र है, उच्च तापमान बराबर है निम्न वायुदाब। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। तो बच्चों जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ की वायु ठंडी होगी, और जब वायु ठंडी होगी तो वो कैसी हो जाएगी? भारी। और जब वो भारी हो जाएगी तो वहाँ पर वायु का दबाव ज़्यादा होगा। तो इसका भी एक सूत्र है, निम्न तापमान बराबर है उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब के कारण वहाँ पर स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होगा, जबकि निम्न वायुदाब में क्या होता है? बादल होते हैं आकाश में, आसमान साफ नहीं होता, ना ही स्पष्ट होता है। तो वायु सदैव उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाती है। तो बच्चों ये भी याद रखना कि वायु हमेशा उच्च दाब से शुरू होकर निम्न दाब की तरफ जाती है, क्योंकि उच्च दाब में वहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा हो चुका है, अब उसे वहाँ से कहीं और जाना है, और वो कहाँ जाएगी? जहाँ पर हवा का दबाव कम होगा। बच्चों क्या आप जानते हैं, चांद पर वायु नहीं है इसीलिए वहाँ पर वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं और उससे अंतरिक्ष यात्री खून से लथपथ हो सकते हैं। आओ बच्चों अब बात करते हैं तीसरे कारक की, पवन। अभी मैंने आपको बताया कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, तो यहाँ भी फिर से मैं इसे
आपको बताती हूँ कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवनें धीरे बहती हैं तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। बच्चों, पवनें तीन प्रकार की होती हैं। इन्हें तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है। आओ हम चित्र 4.4 के साथ समझें। चित्र 4.4 में आपको प्रमुख वायुदाब पेटियां दिखाई दे रही हैं। ये जो रंग दिख रहे हैं आपको, नीले और बैंगनी और गहरा नीला, ये सब वायुदाब पेटियां हैं। इन वायुदाब पेटियों के आसपास आपको ये लाल रंग की तीर जैसी रेखाएं दिख रही हैं। यही रेखाएं पवन हैं। अब मैं आपको तीन पवनों के बारे में बताती हूँ। पहली पवन स्थाई पवन, स्थाई मतलब वो हमेशा चलती हैं। दूसरी पवन मौसमी पवनी, जो मौसम के अनुसार चलती है। और तीसरी पवन स्थानीय पवन, वो उस छोटे से क्षेत्र में चलती है। अब हम बात करते हैं स्थाई पवनों की। स्थाई पवनों में आती हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा से वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थाई पवनें कहते हैं। स्थाई पवनें एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आपको ये पीले पीले क्षेत्र में पवनों के नाम दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री पर, यानी भूमध्य रेखा पर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर और इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको दिख रहा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और नीचे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये स्थाई पवनें हैं। ये हमेशा पूरे वर्ष इसी तरह चलती हैं। इनकी दिशा भी यही होती है। उसके बाद बारी आती है हमारी 35 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर में सनातन पछुआ पवनें। ठीक उसी तरह दक्षिण में भी 35 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण के बीच में सनातन पछुआ पवनें। फिर बारी आती तीसरी पवनों की हमारी ध्रुवीय पवनें, 60 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के बीच में और दक्षिण में भी 60 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण के बीच में। तो ये पीला जो क्षेत्र है ये हमारी स्थाई पवनें हैं जो पूरे साल पूरे वर्ष अपनी इसी तरह से चलती हैं। ये अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। तो तीन हो गई हमारी स्थाई पवनें बच्चों, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। मौसमी पवनें, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्थाई पवनें अपनी दिशा नहीं बदलती, उनकी दिशा वर्ष भर निश्चित होती है, जबकि मौसमी पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। तीसरा है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल समीर और जल समीर। समुद्र समीर स्थल की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी हवा आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। इस प्रकार दिन के समय वायुमंडल की निचली परतों में समुद्र समीर बहता है और समुद्र तटीय पट्टी के मौसम को प्रभावित करता है। स्थल समीर रात के समय तेज भौमिक विकिरण स्थल को निकटवर्ती समुद्र की तुलना में अधिक ठंडा कर देता है। इसके कारण स्थल पर उच्च वायुदाब और समुद्र पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। वायु स्थल से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है जिसे स्थल समीर कहते हैं। दूसरा है लू। आप सबको पता है लू उत्तर भारत में गर्म और शुष्क स्थानीय पवने हैं जो गर्मियों में बहुत चलती हैं। और आपके माता पिता हमेशा कहते हैं कि बच्चों घर से बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। तो बच्चों ये थी हमारी तीन पवने।
बच्चों अब हम बात करते हैं अगले कारक की, आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीने भी नहीं सूखते और हमें अच्छा नहीं महसूस होता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सकती तब ये वर्षण के रूप में, वर्षण क्या होता है बच्चों, वो वर्षा भी हो सकता है, हिमपात और ओलावृष्टि भी हो सकता है, उसी के रूप में ये नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में जब कोई जेट हवाई जहाज जाता है तो आपको लगता है कि उसने पीछे एक सफ़ेद धुआं छोड़ा है और वो एक रेखा की तरह आपको दिखाई देता है। तो बच्चों उसके पीछे क्या वजह है, इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर के लिए आपको एक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो बच्चों अब ये याद रखना, जब आपको हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ दिखे तो समझ जाना कि ये इंजन से निकली हुई नमी है और वो नमी जो है अब कठोर हो गई है और उसी वजह से वो आपको एक पथ की तरह या रेखा की तरह आसमान में दिखाई दे रही है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। तो बच्चों वर्षा का जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जब चला जाता है उसे भौम जल कहते हैं। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और कई बार अधिक वर्षा की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। तो बच्चों क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार संवहनी वर्षा, दूसरा प्रकार पर्वतीय वर्षा, तीसरा प्रकार चक्रवाती वर्षा। तो बच्चों आओ हम चित्र 4.5 देखें। पहला चक्रवाती वर्षा, गर्म और ठंडी वायु मिलने से वर्षा होती है, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा में गर्म व नम हवा, ठंडी व शुष्क हवा दोनों ही आपस में मिलती हैं। ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, आर्द्र हवा उष्ण उग्र के सहारे ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर उठने पर गर्म हवा की जलवाष्प ठंडी होकर वर्षा के रूप में गिरती है, इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। बच्चों इसमें देखो आपको ठंडी वायु और गर्म वायु दिख रही है। मैंने आपको बताया था गर्म वायु हल्की होती है वो ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु भारी होती है जो नीचे है। जब ये दोनों मिलती हैं ठंडी और गर्म वायु तो बीच में आपको एक रेखा दिख रही है जो ज़मीन से आसमान की तरफ को जा रही है। यहाँ पर ये दोनों जब मिलती है ठंडी और गर्म वायु, इनके टकराने से वर्षा होती है, उसे हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा। दूसरे चित्र में देखो बच्चों पर्वतीय वर्षा, इसमें पर्वत होता है, पर्वतों की वजह से ये वर्षा होती है। आप देखो इधर एक झील है, उस झील से हवा ने नमी ले ली और जब हवा ने नमी ले ली अब हवा आगे जब बढ़ रही है तो रास्ते में पर्वत आने से हवा को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है और दिक्कत का सामना करने की वजह से अब वो पर्वतों को टकराकर वर्षा कर रही है, तो इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। तीसरी वर्षा संवहनी वर्षा, संवहनीय वर्षा गर्म और आर्द्र वायु के अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठने से ही संवहनीय वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में धरातल के बहुत गर्म होने से ऊर्ध्वाधर धाराएं पैदा होती हैं। जैसे जैसे धरातलीय वायु ऊपर उठती है ये फैलती है
और ठंडी हो जाती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर संतृप्त हो जाती है। फिर इसके जलवाष्प का संघनन होता है और वृष्टि हो जाती है। इसमें गर्म वायु ऊपर उठ रही है और अपने साथ पानी की बूंदें भी लेकर जा रही हैं। हवा में नमी है और ऊपर जाकर वो बादलों के रूप में संघनित हो रही है नमी, और बादल यहाँ पर वर्षा के रूप में उन बूंदों को वापस नीचे भेज रहे हैं। तो ये तीन वर्षा के प्रकार थे। तो बच्चों, पौधे और जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल मिलता है, और अगर वर्षा कम हो जाए तो जल की कमी और सूखा हो जाता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। बच्चों, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, क्या आप जानते हो वर्षण के दूसरे रूप भी हैं? मैंने आपको ऊपर भी बताया था वर्षण के बारे में, मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओलावृष्टि है। आओ बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर बताएं हम। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। सही उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? विकल्प है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। उत्तर है आपका समताप मंडल। अगला प्रश्न, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? उत्तर है घटता है। अगला प्रश्न, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा या हिम? सही उत्तर है वर्षा। धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे पाठ को समझने के लिए। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।